हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस जुडिकाटा यानी कि सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908। रेस जुडिकाटा जो कि एक लैटिन टर्म है, यानी कि सिंपली अगर हम कहते हैं तो लैटिन वर्ड है जिसको हम आम तौर पर अंग्रेज़ी में इंग्लिश में कहते हैं क्लेम प्रीक्लूजन, यानी कि द बार, रोकना किसी चीज़ को, बार कर देना, ब्लॉक कर देना फर्दरेंस से किसी दूसरी प्रोसीडिंग्स से, और किस तरह उसको हम डीपली इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और आसान तरीके से, आसान एग्जांपल से और डेफिनेशन से। उससे पहले सेक्शन 11 की मैं बेयर रीडिंग कर दूं। सेक्शन 11 की बेयर रीडिंग के बाद हम इसके एलिमेंट्स और एक्सेप्शंस को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी बेयर रीडिंग करने वाला हूँ सेक्शन 11 जिसका टाइटल है रेस जुडिकाटा। नो कोर्ट शैल ट्राई सूट आर इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली एन इशू हैज़ बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली एन इशू इन अ फॉर्मल सूट बिटवीन द सेम पार्टीज आर बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे आर एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। यानी कि कोई भी कोर्ट किसी भी सूट को या किसी भी इशू को जो कि डायरेक्टली या सब्सिक्वेंटली या सब्सटेंशली जो है वो हल किया जा चुका है या हर्ड हो चुका है उसी सेम पार्टीज़ के दरमियान में, या वो पार्टीज़ जिनके अंदर ये पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं। यानी कि कभी कभी आप अपना पावर ऑफ अटर्नी किसी दूसरे को दे देते हैं तो वो जो बंदा पावर ऑफ अटर्नी के बुनियाद पर क्लेम करता है वो भी आपकी तरफ से करता है। तो इस तरह कोई भी कोर्ट ऐसे मसले को नहीं सुनेगी जो कि पहले हल हो चुका है या सब्सटेंशली हल हो चुका है किसी दूसरे सूट में सब्सटेंशली या फिर कम्प्लीटली तरह से, और उसी पार्टीज़ के दरमियान या फिर उन पार्टीज़ के नीचे जो क्लेम कर रहे हैं पावर अटॉर्नी पे या दूसरे किसी पावर पे, तो कोर्ट उन मसलों को नहीं सुनेगी। एंड अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट आर द सूट इन विच सच इशू हैज़ बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड एंड हैज़ बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट। और जिन कोर्ट में या जिस कोर्ट में वो इशू उठाया गया था उस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी थी, यानी कि ज्यूरिस्डिक्शन थी, चाहे पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन या टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, और उसी कोर्ट ने उस कोर्ट में उस मसले को रेज किया गया और सुना गया और फिर फाइनली डिसाइड किया गया। अब ये थी बे रीडिंग सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की, जो कि इंडिया और पाकिस्तान में सेम है। तो इसलिए इसकी अब हम आगे थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आप दोस्तों को अर्ज़ किया और बताने की कोशिश की कि रेस जुडिकाटा को हम सिंपली कहते हैं क्लेम प्रीक्लूजन, अब हम इसकी थोड़ी डीप में जाने की कोशिश करते हैं कि रेस जुडिकाटा के एलिमेंट्स क्या हैं। यानी कि अगर आप रेस जुडिकाटा को अपने केस में अप्लाई करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके केस में ये मसला पहले भी जो है किसी कोर्ट में हल हो चुका है, तो अब आप फर्दर जो है वेस्ट ऑफ टाइम से बचें, तो आपके पास कौन कौन से आपके फैक्ट्स में एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए, कौन सी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिसके बुनियाद पर आप ये क्लेम कर सकते हैं और रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल से या डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले जिस तरह बेयर रीडिंग में भी हमने पढ़ा कि डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली एन इशू, यानी कि वो डायरेक्टली इशू उसी फैक्ट पे था कि भाई जिस तरह अगर ओनरशिप पे आप जो है वो क्लेम करना चाहते हैं या पोजीशन पे अगर आप लेट सपोज क्लेम करना चाहते हैं और वही पोजीशन का सूट उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान एक कोर्ट में हल हो चुका है, तो और वो भी पोजीशन का ही सूट था, यानी कि आप के पास सूट आया पोजीशन का और आप चाहते हैं कि पोजीशन के लिए दोबारा कोई सूट ना हो उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान और उसी कोर्ट में या दूसरी कोर्ट में, तो अब वो जो सूट था उसको हम कहेंगे डायरेक्ट, क्योंकि वो भी सूट पोजीशन का था और अब भी जो सूट हुआ है वो पोजीशन का हुआ, तो डायरेक्टली वो डायरेक्ट इशू है। अब अगर था ओनरशिप का और उसमें पोजीशन की बात थी, डायरेक्टली ऑफ ओनरशिप एंड सब्सटेंशली ऑफ पोजीशन, तो कोई भी डायरेक्ट या सब्सटेंशियल सूट जो कि पिछले सूट में डायरेक्टली या सब्सटेंशली, यानी कि पोजीशन का मैटर पिछले सूट में चाहे डायरेक्ट था, मैटर ही पोजीशन का था, या फिर सब्सटेंशियल था कि यानी कि ओनरशिप की बात करी थी उन पार्टी ने प्लेंटिफ ने और ओनरशिप के अंदर ही प्लेंटिफ ने कहा था कि भाई मुझे पोजीशन भी दी जाए विथ ओनरशिप, तो अब पोजीशन जो थी वो सब्सटेंशियल थी, दैट वॉज नॉट डायरेक्टली
involved and the farmer sued. So directly and substantially an issue which has been heard, directly and substantially an issue in a farmer suit. यानी कि जिस तरह हमने बयान किया कि फार्मर सूट में वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या सब्सटेंशियल इशू होना चाहिए, यानी कि आपका जो काज ऑफ एक्शन है वो काज ऑफ एक्शन जो है वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली हर्ड हो चुका हो. जो अब आपका काज ऑफ एक्शन है जो डायरेक्ट काज ऑफ एक्शन है या सब्सटेंशियल काज ऑफ एक्शन है और सेम पार्टीज के दरमियान में. तीसरा जो इसका मेन एलिमेंट है, जुज है, इंग्रेडिएंट है ऑफ सब रेस जुडिकाटा, वो है बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि उन्हीं पार्टीज के दरमियान. और अगर वो लोग नहीं हैं जिन लोगों ने वो केस किया था और उनका कोई बेटा है, रिप्रेजेंटेटिव है या पावर ऑफ अटर्नी लेकर किसी दूसरा कोई दूसरा शख्स केस चला रहा है तो वो भी सेम पार्टीज में काउंट होगा और तब भी आप रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अटैक करवा सकते हैं. और तीसरी चौथी बात, ये तो बहुत अहम है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी कि द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट विच इज कॉम्पिटेंसी हम किसको कहते हैं, ज्यूरिस्डिक्शन को कहते हैं, वो चाहे टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन हो या आपकी पेक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन हो या सब्सटेंशियल ज्यूरिस्डिक्शन हो, लेकिन जिस कोर्ट ने डिसाइड किया था और जो कर रही है उसके पास वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो इस लायक होनी चाहिए कानूनी तरह से इस लायक होनी चाहिए कि वो इस इशू को सुन सके और सॉल्व भी कर सके, उसके पास ये अख्तियारात लाजमी होने चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इशू रेज हर्ड एंड रिसर्टेड काज ऑफ एक्शन. काज ऑफ एक्शन तो वो जो इशू था आपका जो जिस पे आप रेस जुडिकाटा अप्लाई कर रहे हैं वो रेज़ हुआ दूसरे केस पे या आप रेज़ हो चुका है और दूसरे केस जो पहला जो केस था उसमें उसको सुना भी गया और उसके बुनियाद पर फैसला भी दिया गया जो कि आपका जिस इशू यानी कि कॉज ऑफ एक्शन की वजह से आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है उस इशू को सुना भी जा चुका है और उसके ऊपर फैसला भी दिया जा चुका है. अगर ये कंडीशंस आपकी मैच होती हैं आपके केस में तो आप क्लेम कर सकते हैं रेस जुडिकाटा और अपने वक्त को जान होने से बचा सकते हैं. अब हम आते हैं एक्सेप्शंस के तौर पर. एक्सेप्शंस इसकी बहुत आसान है और आई थिंक कॉमन सेंस की हैं, लेकिन फिर भी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट एंड माय कॉन्सेप्ट एज वेल आई हैव स्टडीज दीज एक्सेप्शंस एज वेल कि ये कहाँ पर अप्लाई नहीं होता. सिविल केसेस की अगर हम बात करें तो ये आपका जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो आपका कॉमनली हम कह दें कि आपके अपील्स पर और हर तरह की फर्स्ट सेकंड अपील पर जो है अप्लाई नहीं होता और ये इसके एक्सेप्शन है और आपकी रिविजन्स पर भी जो है ये अप्लाई नहीं होता. उसके अलावा जितने भी न्यू सूट्स होंगे, नए केसेस होंगे, नए सिविल केसेस होंगे इंडिया पाकिस्तान दोनों में, क्योंकि ये एक जनरल सिविल डॉक्ट्राइन है और बहुत ही पुराना डॉक्ट्राइन है, कॉमन लॉ से ये जो है रेज हुआ है, तो उन केसेस में आप का जो है ये रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा. आई थैंक यू वेरी मच.